सबके हैं, परंपराओं के भी, आधुनिक भारत के भी, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, भगवान को मानने वालों के भी, भगवान को ना मानने वालों के भी। भगवान राम तुलसीदास के हैं तो कबीर दास के भी, गांधी के भी हैं तो इकबाल के भी। राम अनादि हैं, अनंत हैं, अदृश्य हैं, लेकिन अगर दृश्य में हों तो कैसे होंगे? इसका अंदाज़ा हमें 1980 के दशक में लगा, जब रामायण नाम का टीवी सीरियल हम सबके सामने था। तब अरुण गोविल ने राम की भूमिका निभाई थी और दीपिका चिकलिया बनी थी सीता। तब जनमानस में इन दोनों का रूप ही राम और सिया के तौर पर रच बस गया। ये दोनों आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत अरुण गोविल जी और दीपिका जी NDTV के इस खास कार्यक्रम। अरुण जी, आप जब टीवी सीरीज कर रहे थे तब उस धारावाहिक में भी बाल रूप दिखाया गया था भगवान राम का, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में इस वक्त आपके लिए किस तरह की छवि बन रही है? रामलला की जो छवि जो हमने देखी है, जो हमारी रामायण में थी, वो इतनी मीठी थी, इतनी पवित्र थी, वो लगता था कि बचपन होते हुए भी उनमें एक भगवान का स्वरूप दिखाई देता था कि अगर बालक हो तो शायद ऐसा ही होगा वो। और आज के जो रामलला की छवि है वो, उसमें बहुत सारी बातें ऑफकोर्स चेंज हुई हैं, वो इतना छोटा स्वरूप नहीं है, थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है, लेकिन राम के जो गुण हैं, जो उनमें धैर्य है, जो उनमें शांति है, जो उनमें गंभीरता है, जो उनकी पहचान है, मृदुलता, पावनता, वो सब इस रामलला की मूर्त में भी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जो महसूस, जो प्रेरणा हमें रामलला को रामायण में देखने से मिली थी बचपन में, वही इनसे भी मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं कि ये, हम कह सकते हैं कि ये उसका एक बड़ा आकार होगा और ज़्यादा ऊर्जा होगी इसमें, इसमें ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा प्रेरणा होगी और हम इससे बहुत ज़्यादा कुछ और ले पाएंगे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। दीपिका जी, सबसे पहले रामचरितमानस ने राम को, रामायण को जन जन तक पहुंचाया, फिर आपका सीरियल आया जिससे एक तरह से रामायण की, राम की लोकप्रियता बढ़ी और अब राम मंदिर बन रहा है जिससे राम एक बार फिर लोगों के बीच हैं। बहुत बड़ा माइलस्टोन मानती हैं आप इसको? संस्कृति में हमारी जो विरासत जो चलती आई है सनातनों के लिए, मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा एंड ये एक पहला कदम है, राम मंदिर का एक पहला कदम है टू बी अवेयर एंड एक एक्नॉलेजमेंट सभी सनातनी के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं। ये गवर्नमेंट ने ये जो पहल की हैं और VHP ने जो पहल की हैं हमारे देशवासियों के लिए, इट एब्सोल्युटली क्लियरली शोज़ दैट, जैसे जब मैं 91 के इलेक्शंस में मैं हमेशा ये कहती थी कि अगर राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, आप मुझे बताइए। तो ये जो प्रश्न हम पूछते थे वो आज उसका हमें उत्तर मिल गया है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है और उनका विशाल भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। इनविटेशन और निमंत्रण जो है आप दोनों को मिला है, क्या तैयारियां हैं उसके लिए अरुण जी? नहीं, इनविटेशन के लिए तैयारियां तो कुछ भी नहीं है, मानसिक तैयारी जरूर है जी। उस पल को जीने की, उस पल को देखने की, उस पल के साक्षी बनने की जो तैयारी है वो, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता अभी, मतलब एक सोचा जा सकता है लेकिन उस वक्त क्या होगा, क्या भाव होंगे मन में, वो नहीं पता बिल्कुल भी। और जो भी कुछ होगा वो ऐसा होगा कि वैसे पल पहले कभी हमने शायद जिए नहीं होंगे। पर आप अभी इस दौरान बहुत अयोध्या भी जा रहे हैं तो इमोशनल होते हैं जब आप मंदिर देखते हैं या फिर पूरे इस चीज़ को सुनते हैं कि वहाँ पर एक बार फिर रामलला विराजमान होंगे? इस समय ऐसा हो गया है कि इमोशनल इंसान तब होता है जब कभी वो नॉन इमोशनल रहा होगा। अच्छा, तो वो है ही नहीं इस वक्त, सिर्फ इमोशन, इमोशन और इमोशन ही है, चाहे हम अयोध्या में हों, चाहे हम अपने घर में हों या हम कुछ और काम कर रहे हों, वो राम का जो इमोशन है वो बरकरार है ऑल द टाइम, इट्स लाइव विद अस। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड अरुण जी, मैं बताना चाहती हूँ फॉर मी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से रामायण में काम किया, मेरे गुरु हैं जिनका नाम जलाराम है, तो मैं बहुत माला जपती थी राम के नाम की,
कई बार ऐसे होता था कि मेकअप कराते कराते 100 माला भी मैंने जप ली है, राम राम राम। तो मैं बहुत राममय रही हूँ, यू नो, नेचुरली। और कहते ना कि राम का नाम आप जानबूझ के लो या अनजाने में लो, लेकिन वो राम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में राम आए हैं। सो फॉर मी टू गो टू अयोध्या, जैसे मैं जुलाई में फर्स्ट टाइम अयोध्या गई थी, एंड अयोध्या होटल में ऑफकोर्स उतरे पहली बार, तो मैंने वो भूमि को मैंने नमन किया, क्योंकि मुझे लगा ये वो भूमि है जहाँ एक वक्त राम जी सीता जी चले होंगे। सो फॉर मी इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अहम मोमेंट रहेगा। शायद एक माँ बनने का जो मुझे अवसर मिला है मेरी दो बेटियों के वजह से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी तुलना में कहीं ना कहीं इस घड़ी के साथ मैं कर रही हूँ। एंड मेरी तैयारी ये रही है कि मुझे ये बहुत मन था कि जब मैं वहाँ पे तैयार होके जाऊँ मैं कैसी दिखूँगी। बीइंग अ लेडी, आई थिंक वो सबसे पहली बातें आती हैं कि क्या पहनेंगे हम। तो ये मन में था कि मैं सीता जैसी लगूँ ना लगूँ, क्या करूँ। हाँ, मैं सीता जैसी लगूँ ना लगूँ तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लोग बताते ही हैं कि भाई आप सीता जैसी हैं, और शायद सीता ऐसी ही होंगी, बट आई वॉन्टेड टू लुक माई बेस्ट बिकॉज आई फील दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन टू बी ग्रेस्ड, to be invited and to be graced also. So बहुत सारे designers all across India, cottage industry से लेके बहुत सारे लोगों ने contact किया जी. And finally I've selected Shri Shri Ravi Shankar ji from Bangalore. हाँ. उनके आश्रम से साड़ियाँ आई हैं, इनफैक्ट ये साड़ी भी वहीं से आई है। शूट कर रहे थे तो अयोध्या का सेट भी बना था, तो तब चर्चा होती थी अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह की चर्चा तब नहीं उठती थी तब आपस में आप लोगों के? नहीं, उस वक्त ये चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। राम सबके हृदय में बसे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है जी। तब जो उसमें जो एक चारों तरफ एक अलाइवनेस आती है वो उतनी उस समय नहीं थी। ये मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, उस वक्त सारा ध्यान जो था वो हमारा रामायण के ऊपर था बिल्कुल। तो लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया और जैसे जैसे राम मंदिर का जो विषय था वो उभरता चला गया, तो उस समय जो सबकी चेतना थी, हम सब लोगों की चेतना थी, वो धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। एंड नाउ अब तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो इफ्योरिया है, बिल्कुल चारों तरफ एकदम सिर्फ सब कुछ राममय हो गया है। बचपन में हम छोटे थे, हम सीरियल देखते थे, तो हमारे लिए संडेज रामायण देखने के लिए स्पेशल वो मोमेंट होता था। लेकिन हमारे यहाँ युवा ऑडियंस भी है अरुण जी और दीपिका जी, और ये उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए थे। हमने तो देखा है दूरदर्शन पर इनका सीरियल, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों से बहुत से लोगों ने अब मुमकिन है आप लोगों के लिए वो देख पाना। तो कितने लोगों ने ये रामायण देखा है और क्या पूछना चाहेंगे आप दीपिका जी से और अरुण जी से? जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आप हमेशा एक राम किरदार में ही जाने गए हैं समाज में और हर जगह, लेकिन अगर आपको ये डायलॉग बोलने के लिए कहा जाए कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप इसे अपने अंदाज में कैसे कहेंगे? ये जो डायलॉग है ना, ये फिल्मों में बहुत अच्छा लगा था जब हमने सुना था ये, और ये बेसिकली सच भी है। पर राम के साथ ऐसा नहीं है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। वहाँ जीत हार नहीं होती, वहाँ केवल नाम होता है ना। तो और बाजीगर शब्द जो है वो भगवान राम के साथ या किसी भी परमात्मा के साथ जो है वो बोलना एक शोभा नहीं देता, है ना जी। अगला सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आप सबसे पहले तो मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ। मेरा सवाल मैम आपसे है कि अगर आपको ये डायलॉग कहने के लिए कह दे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो आप अपने अंदाज में कैसे कहेंगे मैम? मैं रमेश बाबू से कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में राम जी हैं, तो ये बात सरासर गलत हो जाएगी कि दो चुटकी सिंदूर की कीमत राम जी को तो बहुत पता है, तभी तो जाके वो लेकर आए थे लंका से जी। और इस ऑडियंस में अरुण जी और दीपिका जी राम और सीता, राम और सिया को सुनने भी आए हैं, तो आप देख सकते हैं हनुमान जी भी आपके भक्त बैठे हुए हैं यहाँ ऑडियंस में। आप सबको नमस्कार। बहुत
तो शुक्रिया आप लोग आए ऑडियंस में शामिल होने के लिए, तैयार भी हुए हैं और एक तरह से वापस रिवाइव होती मेमोरी जब इनको अपने आप गेटअप में देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से तैयार होते हैं। रिवाइव करने की जरूरत नहीं होती, हमारे जिंदगी में हमेशा चलते आया है, एवरी ओकेजन एवरी इवेंट हमारे यहाँ पे कोई ना कोई राम लीला के कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे मैं ब्यूटी अवार्ड फंक्शंस करूँ ना तभी भी मेरे सामने रामलीला के कैरेक्टर्स होते हैं। जब पर्दे पर आप लोगों को राम और सीता बनने के लिए चुना गया तो क्या सोच के आप जुड़े थे? ये मैंने सुना है और आपने कई बार कहा भी है कि आप राम ही बनना चाहते थे और कुछ कोई और किरदार नहीं निभाना चाहते जब आपने सुना कि रामायण सीरियल बनने वाली है। नहीं, मुझे ये बात आज तक खुद भी समझ में नहीं आई है। मैंने अपने आप को एनालाइज करने की बहुत कोशिश की कि मेरे मन में ये क्यों आया था। कि पहली बात तो ये मन में आना ही उस वक्त अजीब सी बात थी, बिकॉज माइथोलॉजी उस समय बहुत कोई अपर ग्रेड की चीज़ नहीं मानी जाती थी, यू नो। तो पर मेरे मन में आया था कि मुझे श्री राम भगवान का चरित्र करना चाहिए। जब मेरा ऑडिशन हुआ था, मुझे नहीं सेलेक्ट किया गया था ऑडिशन में, तो मुझसे बहुत दिन तक कहा जाता रहा कि आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं। ऐसे नहीं, मुझे कोई रोल वोल करना भी नहीं था बिल्कुल भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था। तो अगर मैं उसके योग्य नहीं हूँ सो इट्स फाइन, इट्स ओके विद मी। बट फाइनली आई थिंक आई वॉज द चोजन वन फॉर दैट, इट वॉज डेस्टिंड। बट वो समझ में नहीं आया आज तक भी, क्यों शायद कहीं मैं इतना अंदर से जुड़ा हुआ था बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं छोटा भी था ना, छोटेपन में भगवान का नाम लेना बड़ी अजीब सी बात होती, बच्चे नहीं लेते हैं, लेकिन पर उठते बैठते मेरे मुँह से हे राम शब्द निकलता था, और दुख में नहीं निकलता था, वो खुशी में भी निकलता था, कैसे भी पढ़ते पढ़ते भी निकलता था, उठते भी निकलता था, बैठते भी निकलता था। तो शायद वो कहीं जुड़ाव बचपन से रहा है मेरे अंदर, और उसी ने मुझे ये कहने पे फोर्स किया था कि मुझे राम जी का चरित्र करना है। ये सवाल मेरा आप दोनों से, कहा जाता है कि एक्टर्स के लिए जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो उसका कुछ अंश, भले ही वो एक्टिंग या मूवी या सीरियल ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका कुछ अंश बच जाता है, वो रच बस जाता है आपके अंदर। राम और सीता अभी भी आप दोनों के अंदर हैं दीपिका? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर 4 साल एक भूमिका प्ले करते हैं तो उसके कैरेक्टराइजेशन जो होती हैं वो इन डेप्थ हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे केस में तो ये हुआ है कि हम कभी भी अलग नहीं हो पाए हैं हमारे इमेज से। तो अगर हम चाहते कि नहीं मैं एक एक्टर हूँ और मुझे और कोई काम करना है, लेकिन पब्लिक ने, लोगों ने हमेशा हमको वो दर्जा दिया है, साधु संतों के ऊपर दर्जा दिया है कि भाई ये तो भगवान है, मतलब डेमी गॉड है, एक्चुअली दे यूज़ टू कॉल अस डेमी गॉड। तो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें हमारे अंदर ज़रूर आ ही गई होगी। मैं नहीं मानती और मैं नहीं जानती, बट लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ साक्षात सीता जी ही लगती हैं आप, तो कहीं ना कहीं कुछ उनको लगता होगा तभी वो बोलते हैं। आई हैव नो पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। अरुण जी, कभी आपको भी लगा कि आप ही राम हैं, राम के स्वरूप को जीते जीते? नहीं, ये नहीं लगना चाहिए और ना मुझे लगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि राम के चरित्र के कुछ गुण, उनके कुछ क्वालिटीज़ वो मेरे अंदर शुरू से रही हैं वो, और शायद इसीलिए मैं उस चरित्र को इतनी अच्छी तरह से समझ सका और निभा सका। मुझे कहा गया था कि जब हम ये रोल कर रहे थे कि रामायण पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, कुछ फिल्में जो पुरानी आई हैं संपूर्ण रामायण और ये सब देख लो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरे मन में जो राम का स्वरूप है, जो उनका चरित्र है, मैं वही करूँगा, उसी हिसाब से करूँगा। तो वो शायद कहीं वो कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर थी, बट एज यू सेड इट कि जब हम कोई काम बहुत दिनों तक करते रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश हमारे सबकॉन्शियस में अपने आप चला जाता है। तो शायद वो जो क्वालिटीज़ थी वो कुछ एनहांस हो गई होंगी, डेफिनेटली इंटेंसिफाई हो गई होंगी। पर ये जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगा, नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये शब्द मैंने इतनी बार सुने हैं कि हमारे लिए, हमारे तो राम आप ही हैं, और उस वक्त अजीब सा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और शुरू में बड़ा अजीब लगता था, मैं कहता भी था शुरू में, बड़ी उम्र के लोग, हमसे बड़ी उम्र के लोग हमारे यहाँ के पाँव छूते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे तो पाँव नहीं छू रहे हैं,
ये अपनी उस श्रद्धा को नमन कर रहे हैं जो इनकी राम के प्रति है। मुझे लगता है हम लोग थोड़े से अब नॉर्मल हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अगर हम लोग नॉर्मल लोग होते ना तो शायद अब तक हम यही सोच चुके होते कि हम राम और सीता। पर जो आदर मिलता है, जो स्नेह मिलता है, जो दुलार मिलता है, जो एडमिरेशन मिलता है, उससे मन को बहुत खुशी होती है। बिकॉज एक एक्टर को यही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है कि आज इतने साल हो गए हैं उस रामायण को और आज भी लोग उसी रूप में हमें देखते हैं, वही बातें सुनना चाहते हैं, वही बातें डिस्कस करना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपके अंदर राम के गुण थे, आप पर उनके आदर्शों को कुछ आप फॉलो करते थे, तो जिसकी वजह से आपको लगा कि आप ये किरदार निभा सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी कि वाई डिड दिस रोल सूट हिम, क्यों लगा कि अरुण गोविल जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन? आपको क्या लगता है कि इस किरदार के लिए? माई पर्सपेक्टिव ऑफ वाई ही इज चोजन, अरे वाह, बहुत अलग क्वेश्चन पूछा गया है। अब सागर के साथ हम लोग बहुत बातचीत होती थी, मुझे बताते कि भाई आपको क्यों चुना गया, कि यू नो मी एज सीता। तब अरुण जी की हमेशा बात होती थी कि उनको क्यों चुना गया। पहले तो ये था कि आप कुछ और कीजिए, बट उनका ये कहना था कि राम जी का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे सीता जी का एक डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के रामायण में, कि उनकी हाइट कम थी एंड उनकी आंखें आमंड थी और उनकी फेस लॉन्ग था, विच आई सूटेड। एंड अरुण जी के बारे में ये हमेशा कहते थे कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, द शोल्डर टू द वेस्ट वो सो परफेक्ट, तो जब वो वनवास के कपड़े पहनते थे या कुछ भी पहनते थे, इट यूज़ टू स्टैंड आउट। एंड उस ज़माने में इतना जिमिंग नहीं होता था, तो ही हैड अ नेचुरल बॉडी विच वॉज मेड लाइक दैट। तो ये मैंने सुनी हुई बातें हैं, बट आई थिंक अरुण जी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, एंड वेन ही कम्स ऑन स्क्रीन, जब लोग कहते हैं ना कि आप राम जी को कैसे याद करते, तो मैं अरुण जी को देखती हूँ, मैं कहती हूँ राम। डोंट गो अहेड विद दिस, मैं सीता जी को भी मैं अपने आप को कभी कभी देख लेती हूँ। आई थिंक दैट ही हैज़ बीन द बेस्ट राम। एंड जैसे लोगों को लगता है कि हम लोग राम सीता हैं या अरुण जी राम है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे भी ये कन्विंस्ड मैं हो गई हूँ कि शायद हो सकता है कि टू गेट समबडी एल्स, यू नो, फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट चॉइस। तो इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, ये चर्चा, ये बातचीत जारी रहेगी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया से। मैंने जब देखा जो आपकी स्माइल है, मतलब इट बेस्ट सूटेड फॉर द रोल, आपको कभी ऐसा लगा या किसी और ने कॉम्प्लीमेंट दिया? शूटिंग शुरू होने वाली थी उसी दिन की मैं बात बताता हूँ आपको, कि हमारा गेटअप वेटअप सब हो गया, मेकअप वेकअप सब हो गया, और मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मुझे ये व्यक्ति जिसका नाम अरुण गोविल है, ये मुझे भगवान नहीं दिख रहा था, ये मुझे इंसान दिखाई दे रहा था। और मैंने कहा नहीं, ये वो जो पावनता जो चाहिए, जो मृदुलता चाहिए, वो नहीं है इस फेस पर। और मैंने सागर साहब से ये बात कही कि वो नहीं है, तो ये देखो तुम क्या कर सकते हो। एंड एज ए लक कुड हैव इट, मुझे राजश्री के राजकुमार बड़जात्या जी की एक बात याद आई, मैंने उनके साथ 5 फिल्में की थी, कि अरुण जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं यूज़ कीजिएगा अच्छी तरह से। मुझे नहीं पता वो बात मुझे क्यों याद आई उस समय, मुझे वो बात कैसे याद आई उस समय, और मैंने वो स्माइल ट्राई की एंड इट वॉज डन। और वो स्माइल अगर आप रामायण को बहुत ध्यान से आपने देखा होगा, तो वो स्माइल हर जगह है लेकिन डिफरेंट स्माइल है, यू नो, सीरियस सीन्स में भी वो स्माइल मेंटेन हुई है लेकिन डिफरेंट है, जो सीता जी के साथ रोमांटिक सीन है उसमें भी है, वो डिफरेंट है, माँ के साथ भी है, पर हर जगह है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ बात कन्वे करती है वो स्माइल। तो स्माइल ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है।